सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही IAS या GPSC क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है PD गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग संसद के सत्र का यानी कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ध्यान से सुनना, जनरली होता क्या है, जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वो पूरे साल भर काम करते हैं। अगर सैटरडे संडे की छुट्टी को अगर आप छोड़ दो तो पूरे साल भर काम करते हैं। तो आपके दिमाग में क्या आता होगा कि गवर्नमेंट की जब सारी बॉडीज पूरे साल भर काम करती हैं, वैसे ही पार्लियामेंट भी पूरे साल भर काम करती होगी। एक जनरल माइंडसेट ये रहता है कि जैसे सरकार के सभी लोग पूरे साल भर काम करते हैं, वैसे ही संसद भी पूरे साल भर काम करती होगी, है ना। जनरली दिमाग में यही आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसद जिसका काम होता है कानून बनाना, जिसका काम होता है केंद्र सरकार के कानून बनाना, ये पूरे साल भर काम नहीं करती है, ये काम करती है सेशंस में। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ये काम करती है सेशंस में, ये पूरे साल भर काम नहीं करती है। इसको हम एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे IPL, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। अब इंडियन प्रीमियर लीग जो है, क्या पूरे साल भर उसमें क्रिकेटर खेलते हैं? नहीं, वो 2 महीने होती है, उसमें क्रिकेटर्स खेलते हैं, लीग खत्म हो जाती है, उसके बाद क्रिकेटर्स और कुछ काम करते हैं, कोई अपने देश के लिए खेलता है, कोई कुछ कुछ और करता है, है ना। तो IPL 2 महीने होता है, ठीक है, तो IPL का एक सेशन होता है, वो 2 महीने IPL का एक सेशन है। वैसे ही पार्लियामेंट पूरे साल भर काम नहीं करती है, पार्लियामेंट सेशंस में काम करती है। पार्लियामेंट किसमें काम करती है? सेशंस में काम करती है। जैसे कि मान लो 2 महीने पार्लियामेंट अभी लग गई, उसके बाद 3-4 महीने का ब्रेक हो गया, फिर 2 महीने पार्लियामेंट ने काम कर लिया, फिर उसके बाद 3-4 महीने का ब्रेक हो गया, फिर 2 महीने काम कर लिया। ऐसे सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। तो सेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पार्लियामेंट डज नॉट वर्क थ्रू आउट द ईयर, पार्लियामेंट वर्क इन सेशंस, ठीक है। अभी 1-2 महीने काम कर लिया, फिर ब्रेक हो गया, फिर 1-2 महीने काम कर लिया, फिर ब्रेक हो गया, ऐसे काम करती है पार्लियामेंट। क्लियर हुआ? तो सेशंस का मतलब क्लियर हुआ, सब चीज अभी आप बोर्ड पर समझ लो, मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे दूंगा, पर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लो, है ना। अब आर्टिकल 85 क्लॉज 1 बोलता क्या है वो ध्यान से समझो। आर्टिकल 85 क्लॉज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 85 क्लॉज 1 बोलता है कि देश के राष्ट्रपति के पास, देश के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को बुला सकते हैं। बुलाने का मतलब क्या हुआ भाई? बोल सकते हैं लोकसभा को कि लोकसभा आओ, राज्यसभा आओ, मिलके काम करो, है ना। देश के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो लोकसभा और राज्यसभा को बुला सकते हैं काम करने के लिए, कहीं पर भी और कभी भी। ध्यान से सुनना, वेयर एवर, कहीं पर भी और व्हेनेवर, कभी भी। देश के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो बुला सकते हैं। बुलाने की इंग्लिश होती है सम्मन, सम्मन, सम्मन करना यानी बुलाना। बुला सकते हैं किसको? पार्लियामेंट को, लोकसभा को और राज्यसभा को, कि आओ काम करो, कहीं पर भी और कभी भी। देखो, कहीं पर भी का मतलब जो है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, होता क्या है, जनरली हमारे देश में न्यू दिल्ली के अंदर एक संसद भवन है, ठीक है, एक पार्लियामेंट जो है बेसिकली वो एक जगह पर होती है, है ना। वहां पर लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। बट कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सर्कमस्टेंसेस हो गए, तब भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो कहीं पर भी संसद को बुला सकता है और संसद को आना पड़ेगा काम करने के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, जनरली जो है वो संसद भवन में ही काम होता है, बट वैसे कभी भी कहीं पर भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं पर भी बुलाया जा सकता है और कभी भी बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 85 क्लॉज 1 पहली बात तो ये करता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि राष्ट्रपति की खुद की बहुत सारी पावर्स नहीं होती हैं। वो जनरली वही काम करता है जो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री परिषद है, उसको करने को बोले, है ना। राष्ट्रपति की खुद की बहुत सारी पावर्स नहीं होती हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो लोग हैं, उनके कहने पे राष्ट्रपति करता है। तो ये काम भी राष्ट्रपति उन्हीं के कहने पे करता है, ये याद रखना। मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति की खुद की बहुत कम पावर्स होती हैं, मैक्सिमम काम वो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ही करता है। तो राष्ट्रपति बुला सकता है पार्लियामेंट को कहीं पर भी कभी भी, है ना। ये चीज क्लियर हुई। एक चीज और लिखी है, ध्यान से सुनना यहां पर, देखो एक चीज और लिखी है आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के अंदर, और वो ये है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच,
6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। फिर से सुन लो, पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, मान लो राष्ट्रपति जी ने पार्लियामेंट बुलाई, उसने काम किया, वो सेशन खत्म हो गया, है ना। अब जब ये सेशन खत्म हुआ तो अगला सेशन 6 महीने के अंदर अंदर होना ही चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 85 क्लॉज 1 बोलता है, अगला सेशन 6 महीने के अंदर अंदर होना ही चाहिए, मतलब 6 महीने के अंदर ही अंदर। अब अगली बार राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा को काम करने के लिए बुलाना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। क्लियर हुआ ये चीज, है ना। अब थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, थोड़ी सी मैथ्स लगाओ और मुझे बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में मिनिमम पार्लियामेंट के कितने सेशंस होंगे? बोलो भाई, 12 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 6 कितने होंगे? 12 डिवाइड बाय 6 2। मिनिमम दो सेशंस होंगे पार्लियामेंट के, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में। तो पार्लियामेंट के मिनिमम एक साल के अंदर कितने सेशंस होंगे? अगर आप 12 महीनों को 6 से डिवाइड कर लो तो क्या निकल कर आएगा? दो। दो सेशंस मिनिमम एक साल के अंदर पार्लियामेंट के होंगे ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा बोलता है। क्लियर हुआ चीज? तो आर्टिकल 85 क्लॉज 1 क्या बोलता है? दो बातें बोलता है। पहली बात कि संसद को बुलाने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में है, राष्ट्रपति कभी भी कहीं भी बुला सकता है संसद को, और संसद का एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच का टाइम 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी बोलता है आर्टिकल 85 क्लॉज 1। क्लियर हुआ है चीज? कोई डाउट? और जब हमने देखा कि आर्टिकल 85 क्लॉज 1 बोल रहा है कि 6 महीने से ज्यादा दो सेशन के बीच का टाइम नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिर्फ एक मतलब हुआ कि साल में दो सेशन तो मिनिमम पार्लियामेंट के होंगे ही होंगे। क्लियर हुआ चीज? ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। अब हम बात करते हैं कि जनरली हमारे देश में क्या होता है। हमारे देश में एक साल के अंदर जनरली पार्लियामेंट के 3 सेशंस लगते हैं। फिर से सुन लो, हमारे देश में एक साल के अंदर जनरली पार्लियामेंट के कितने सेशन लगते हैं भाई? 3। कौन कौन से? एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन। फिर से सुन लीजिए, एक बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। बजट सेशन जो होता है वो फरवरी से मई के बीच होता है, जो मॉनसून सेशन होता है वो जुलाई से सितंबर के बीच होता है, और जो तीसरा विंटर सेशन होता है वो नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। ठीक है, हमारे देश के अंदर जनरली 3 सेशन पार्लियामेंट के लगते हैं एक साल के अंदर। इसका ये मतलब हुआ कि पार्लियामेंट पहली बार बैठती है फरवरी से मई के बीच काम करने के लिए, दूसरी बार बैठती है जुलाई से सितंबर के बीच काम करने के लिए, और तीसरी बार बैठती है नवंबर से दिसंबर के बीच काम करने के लिए, जिनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। कई बार आप लोगों ने सुना होगा न्यूज के अंदर कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है, या बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, या मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। विंटर सेशन मतलब जो सर्दियों में होता है, जो मॉनसून सेशन है मतलब वो मॉनसून के टाइम पर होता है जब इंडिया में मॉनसून आता है, और बजट सेशन में जब बजट प्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको बजट सेशन बोलते हैं। ये चीज तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, तो आर्टिकल 85 क्लॉज 1 क्या बोलता है, ये चीजें क्लियर हुई। अब आपको पता चल गया है कि पार्लियामेंट पूरे साल भर नहीं होती है, सेशंस में होती है। हमने भी देख लिया कि जनरली क्या है, हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट 3 सेशन लगाए जाते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि मिनिमम 2 सेशंस तो होने ही चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब एक कुछ चीजें और जान लेते हैं। जो सेशंस होता है पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, वो फर्दर डिवाइड किए जाते हैं मीटिंग्स में। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, मान लो मैं बात करता हूं बजट सेशन, तो बजट सेशन कब से कब चलेगा? फरवरी से लेकर मई तक, है ना। तो फरवरी से लेकर मई तक जो बजट सेशन चल रहा है, उसमें हर दिन पार्लियामेंट काम करने आएगी, तो हर दिन पार्लियामेंट जो काम करने आएगी उसको बोला जाएगा मीटिंग। उसको क्या बोला जाएगा भाई? मीटिंग। मतलब पार्लियामेंट हर दिन क्या करने आ रही है? मीटिंग करने आ रही है, काम करने आ रही है ना।
तो पार्लियामेंट के पूरे सेशंस को आप डेली मीटिंग्स में डिवाइड कर सकते हो, रोज की मीटिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? अब जो रोज की मीटिंग्स होती हैं उनको भी आप फर्दर सिटिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। किसमें डिवाइड कर सकते हो? सिटिंग्स में। मतलब फॉर एग्जांपल आज पार्लियामेंट को काम करना है तो आज पार्लियामेंट की जनरली दो सिटिंग होंगी, पहली सिटिंग 11 से 1 बजे तक और दूसरी सिटिंग दोपहर में 2 से शाम को 6 बजे तक, सुबह 11 से दोपहर के 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, है ना? तो ये सिटिंग्स में डिवाइड हो जाती है। तो समझ में आया, सेशंस डिवाइड होता है किसमें? मीटिंग्स में। जो डेली बेसिस पे पार्लियामेंट मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मीटिंग बोलते हैं। और जो मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की वो फर्दर किसमें डिवाइड होती है? सिटिंग्स में। जो दिन में पार्लियामेंट काम करती है वो जनरली दो सिटिंग में काम करती है, पहली सिटिंग 11 से 1 और दूसरी सिटिंग 2 से 6। अब जब ये वर्ड कभी भी सिटिंग आए ना, द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज ओवर, तो इसका मतलब समझ लेना दिन की जो एक सिटिंग है वो ओवर हो गई है। या बोला जाए द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज ओवर, तो समझ लेना उस दिन की मीटिंग जो है पूरी वो ओवर हो गई। समझ समझ में आया ये चीज? सेशंस को डिवाइड किया गया मीटिंग्स में और मीटिंग्स को फर्दर डिवाइड किया किसमें? सिटिंग्स में। क्लियर हुआ? अब एक चीज और समझ लो, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जनरल वे में कि सिटिंग्स जनरली 11 से 1 और 2 से 6 बजे तक होती है। जनरली ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 11 बजे से पहले नहीं हो सकती या 6 बजे के बाद में नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार जब बहुत ज्यादा काम होता है तो पार्लियामेंट रात को 11 11 12 12 बजे तक काम करती है, जैसे कि जब जीएसटी बिल पास किया गया था, जैसे कि जब 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, तो पार्लियामेंट ने रात को 11 12 बजे तक काम किया था, और कई बार ऐसा होता है ना? वैसे ही यहां पर देखो आप, जब मैं बोलता हूं कि बजट सेशन फरवरी से मई तक चलेगा या मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलेगा या विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक चलेगा, तो ये जनरल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है इन्हीं महीने चलेगा, ये तो राष्ट्रपति के ऊपर है, कभी भी वो बुला सकते हैं और कभी भी जो है सेशंस को ओवर कर सकते हैं, है ना? जनरली ऐसा होता है, ठीक है? तो ये जनरल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूं। जनरली सेशंस मीटिंग्स और सिटिंग समझ में आई अपने को? ये बिल्कुल सेशंस कितने होते हैं इसी समझ में आई अपने को? क्लियर हुआ किसी तरह का? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि 6 महीने से ज्यादा दो सेशंस के बीच गैप नहीं हो सकता, और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को बुला सकती है कहीं पर भी और कहीं और कभी भी। क्लियर हुआ ये चीज? किसी तरह का कोई डाउट?